साथियों, भारत के भीतर भी और एक फैक्टर उभर रहा है। मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए। साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के तीन सबसे प्रमुख आधार है। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओस बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2,00,000 माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जैसी योजनाओं से भी छोटे किसानों और लघु उद्योगों को नई पहचान मिली है।